अब नया नियम चल गया है कि अब बच्चों को हॉस्टल में रुकना ही। ये भी है कि हर 2 मिनट में आ जा रहे हैं नीचे बैठने वाले कि रूम खाली करो, रूम खाली करो। B7 बन रहा है क्या? पता नहीं, ये मेरे बीटेक खत्म करने से पहले B7 बन के खत्म हो जाएगा। ये दो दोस्त हमारे और ये है हम लोग का आज का खाना, बस इतने ही में समाप्त आज का। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, आज हो चुका है थर्सडे और आज हम लोग का क्लास है 9:50 से। वैसे आज सुबह उठते उठते एक बहुत ही खराब चीज सुनने को मिल गया। असल में एक यहाँ पे अब नया नियम चल गया है कि अब बच्चों को हॉस्टल में रुकना ही नहीं। अरे तुम्हारा क्लास हो ना हो, तुमको 4:30 बजे बाहर रहना है भाई। मतलब कि आदमी मेरा, आज तो ठीक है, आज तो मेरा 4:30 बजे तक क्लास है, आज का मेरा दिन गुजर जाएगा। कल कल क्या होगा? तुमको ऐसा नोटिस है कि मतलब कि तुमको हॉस्टल में रुकना नहीं है। अगर तुम्हारा क्लास है मंडे टू सैटरडे, तुम्हें बाहर जाना है, 4:30 बजे तक बाहर रहना है, तुम कहीं रहो, हॉस्टल में रहो, मतलब लाइब्रेरी रहो, क्लास में रहो, कहीं भी रहो, हॉस्टल में तुमको नहीं रुकने देंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई लंच के टाइम में 1 से जितना बजे तक लंच है उतना दूर उतना बजे तक आने देंगे, फिर उसके बाद तुम बाहर जाओ भाई। मतलब ऐसा अभी रूम खाली करवा जरा भाई कि तुम निकलो, तुम निकलो। आज भर तो तुमको छोड़ दे रहे, कल 9 बजे एकदम खाली हो जाना चाहिए रूम, वरना तुम बाहर से बंद कर देंगे भाई। मतलब इतना गंदा गंदा नोटिस आता है यहाँ पे, अब इसकी वजह से हम लोग आज जा रहे हैं। खैर आज तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, आज कोई इशू नहीं है, लेकिन कल कल मेरा 2 बजे तक क्लास है। अब कल मैं क्या करूँगा, खैर क्या ही कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं हॉस्टल, अब कॉलेज उसके बाद आते हैं, तो छुट्टी में आप सभी से इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं गाइस। और ये भी है कि हर 2 मिनट में आ जा रहे हैं नीचे बैठने वाले कि रूम खाली करो, रूम खाली करो। लाइट काट देंगे, वाईफाई काट देंगे जो यहाँ रुकेगा भाई। मतलब कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई गंदा नियम निकला है, नियम तो खराब निकला है भाई। ये हर्ष भाई है हमारे, बहुत खराब नियम निकल चुका है कि हॉस्टल खाली करेगा। देख सकते हैं पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है और यहाँ हम लोग भी चल रहे हैं। अब हम लोग भी चल रहे हैं हॉस्टल कॉलेज, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा अब रुकने का। अरे सब खाली करवा दिया, पूरा हॉस्टल ऐसे लग रहा है कि सुनसान खंडहर बन चुका है। चलो गाइस चलते हैं। तो भाई लोग ये देख सकते हो अपना हॉस्टल और अब हम लोग चल रहे हैं क्लास करने। बाकी लिफ्ट खाली था तो लिफ्ट मिल चुका है, थोड़ा बहुत लेट से आने पे लिफ्ट खाली मिल जाता है। और हम लोग ये देख सकते हो ये मेरे फ्लोर से, ये वैसे यहाँ पे B7 बन रहा है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो B7 बन रहा है, पूरा यहाँ काम वाम चल रहा है। पता नहीं कितने सालों के बाद देख बन के मिले देखने को मिलेगा। बाकी अब हम लोग क्लास व्लास खत्म, हम लोग चल रहे हैं अब हॉस्टल। और अब हम तुम लोग को ये सब पास दिखा पास से दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो JCB है, JCB की खुदाई चल रही है और यहाँ पे B7 बन रहा है। क्या पता नहीं, ये मेरे बीटेक ख़त्म करने से पहले B7 बन के ख़त्म हो जाएगा कि नहीं, पता नहीं कब तक बन पाएगा ये, क्योंकि B5 ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी ये हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, कर रहे हैं, ये समझ देख सकते हो पानी पूरी और एक एक्स्ट्रा हमको मिला। बाकी ये देख सकते हैं ये दो दोस्त हमारे, ये कालू राम और एक ये भोला श्याम। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और ये तो हमारे उमर भैया है, इनको स्नैप ले रहे हैं, स्नैप लेने की अच्छी बीमारी। और बाकी हम लोग अब चल रहे हैं मटिहारी, क्योंकि हम लोग को असल में कुछ थोड़ा बहुत बहुत दिन हो गया मटिहारी घूमे, इसलिए आज चलेंगे हम लोग मटिहारी। बाकी ये देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं मटिहारी और मटिहारी आने के बाद यहाँ पे यही सब खाएंगे, यहीं पे आते हैं हम लोग खाने। बाकी ये देख सकते हो चिकन लेग पीस वाली को और यहाँ हम उमर भैया को, और अब देखो हमारा खतरनाक चिकन लेग पीस। और इनके कंपटीटर से मैं मिलवाने जा रहा हूँ आप सभी को, देख सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा कंपटीटर आ चुके हैं किंग, आवर वन एंड ओनली किंग मोहम्मद उमर खान, ही इज़ द किंग। और अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल और ये हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्टल। तो भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल और जैसा कि आप सभी जान सकते हैं आज हम लोग का 4 बजे लैब खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग को 5 बजे रुकना पड़ा, 5 बजे तक रुकना पड़ा, क्योंकि नोटिस वगैरह आया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी खतरनाक चीज़ हुआ है। बाकी ठीक है गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि सुबह जल्दी ऐसे नहीं, सुबह तो टाइम ही थी उठे, लेकिन फिर भी सोना जरूरी है, शाम को सोना चाहिए, आप सभी का शेड्यूल सही हो जाता है, नींद वींद लेना चाहिए प्रॉपर।
वरना टेंशन होता है। ठीक है गाइस, गुड नाइट। और ये है हम लोग का आज का खाना, बस इतने ही में समाप्त आज का भोजन। तो भाई लोग फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं। बाकी आज भी आज वही आज कचौड़ी वगैरह था, तो आज भी काफी ज्यादा भीड़ था। मतलब कि ऐसा हुआ कि हम लोग सो गए थे, सो के उठे हम लोग 8:30 बजे। तो 8:30 बजे तो उठे तो हम सोचे कि 8:30 बजे कोई ज्यादा भीड़ नहीं होगा, बट 8:30 बजे भी बहुत ज्यादा भीड़ था। जैसे हम लोग गए तैसे ही भीड़ होना शुरू हुआ और ऊपर से ये सब भीड़ भाड़ हुआ। खैर छोड़ो, कुछ मिल गया जो खा लिए लोग, वैसे भी उतना ज्यादा भूख लगा नहीं था। और यहाँ का कचौड़ी, एक तो सब्जी भी नहीं देते हैं लोग ना, कि दाल चावल सब्जी खा ले अपना, देते हैं कचौड़ी वो क्या कहते हैं चटनी, चटनी देते हैं चावल दाल, बस सब्जी नहीं, इसी से खाओ। पता नहीं कैसे खाते हैं लोग। बाकी ये जो नोटिस वगैरह है उससे उमर भाई को पूछा जाए, उमर भाई को कैसा कैसा लग रहा है। उमर भाई, जो ये नया नोटिस आया हॉस्टल का, उसको आप कैसे, मतलब कि क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में आप? देखिए, एक दो बच्चों की वजह से सबकी थोड़ा दिक्कत हो गई है। वो एक दो बच्चे यहाँ पर हैं। मतलब एक दो बच्चों की वजह से? मतलब देखिए क्या हुआ था, असल में कुछ बच्चे थे जो जा नहीं रहे थे, क्या कहते क्लासेस। तो घर वालों को पता चला कि जब ऐसा हो रहा है कि हॉस्टल में क्लासेस नहीं जा रहे, तो उन्होंने हॉस्टल की फैकल्टी से कंप्लेन किया कि बच्चों को आप क्लास भेजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे घर पे होता, हम लोग उन्हें मार मार के भेज देते, आप भी भेजिए ऐसा करके। तो उन्होंने ये नोटिस ला दिया कि अब बच्चे बाहर जाएंगे 9 बजे से, जो रहेगा उसको कंप्लेन की जाएगी, जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा, चाहे आप बीमार हो तब भी लिख के लाइए। बीमार के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट डीन से HOD से ले आना पड़ेगा। वो लोग तो उसके लिए भी आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बात वही बात है, वही बात है यार, बहुत दिक्कत है। सैटरडे को हम लोग का क्या होगा? सैटरडे को मेरा पूरा दिन छुट्टी है, कल भी मेरा 2 बजे से छुट्टी है। देखो अब क्या होता है भाई, अब देखते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, अभी तो ऐसा रूल आया है, फिर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे जाएंगे। अभी हाल ही में है ना, तो आज 2-3 दिन ज्यादा तेज लगेगा, मतलब ज्यादा सिक्योर होगा, फिर बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ तो इतना सुबह में निकलवाया जा रहा है भाई लोग, हम लोग सोए हुए थे। हम तो नहा रहे थे, उमर भाई बैठे हुए थे, तो वो अंकल आके बोल रहे कि जल्दी रूम खाली, जल्दी रूम खाली करो। जब तक हम लोग खाली नहीं किए तब तक वो यहीं पे खड़े थे भाई, इतना ज्यादा। गौरव भाई तो सो रहे थे, क्या ही बताए क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। ये है ना कि उन्होंने ये बोल दिया कि चाहे आपकी क्लास हो चाहे ना हो, बस बाहर। हाँ ये बहुत, ये काफी इसमें चेंज करवाना पड़ेगा कि चाहे अगर क्लास ना हो तो हम बाहर क्यों नहीं। उनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि बाहर हम लोग रुक के क्या करेंगे, तो वो बोल रहे कुछ भी करो, कहीं जाओ, लाइब्रेरी जाओ, यहाँ जाओ। तो वो लोग ये बोल रहे हैं भाई क्या करे आदमी भाई। लेकिन ठीक है, 2-3 दिन तक देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या ही करेंगे, क्योंकि भाई सैटरडे को तो हम दिन भर बाहर नहीं रह सकते, सैटरडे को क्लास भी नहीं है। बाकी ठीक है गाइस, देखा जाए क्या होता है क्या नहीं। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, बाय।